नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी आपका अपना चैनल ग्रीन भारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डहलिया के बारे में बताएंगे। डहलिया एक अपूर्व सौंदर्य एवं रंग रूप के कारण उद्यानों में बस अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। अपने अलग आकर्षक अंदाज के कारण डहलिया पुष्प प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी बाग बगीचा डहलिया के बिना पूर्ण नहीं कहलाता है, अतः प्रत्येक पुष्प वाटिका को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए डहलिया लगाना जरूरी समझा जाता है। डहलिया फूल की उत्पत्ति मैक्सिको में हुई थी। स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एंड्रीज गुस्ताव डेलन के नाम पर इसका नाम डहलिया रखा गया है। डहलिया का वनस्पति नाम डहलिया प्लेनेटा है। यह पौधा बहुवर्षीय पौधा है। यह कई कलरों में आपको पाया जाता है, जैसे लाल, पीला, गहरा लाल, सफ़ेद, बैंगनी कलर में आपको पाया जाता है। इस पौधे को हम लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल के पास पीला और गहरे लाल के पास सफ़ेद और सफ़ेद के पास बैंगनी कलर का फूलों वाला पौधा लगाया जाना सबसे अच्छा माना जाता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, इस पौधे को आप लगाने के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन उदासीन मिट्टी यानी न अम्लीय हो न क्षारीय मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। थोड़ी अम्लीय मिट्टी डहलिया के लिए अच्छी हो सकती है। पौधे को लगाने का स्थान खुला होना चाहिए, जहां सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। इस पौधे को लगाने के लिए आप 25 से 30 सेंटीमीटर व्यास वाला गमला ले सकते हैं, जिसमें एक भाग बगीचे की मिट्टी का, एक भाग बालू का, एक भाग सड़ी पत्तियों की खाद, एक भाग गोबर की खाद, एक भाग लकड़ी की राख, सबको मिक्स करके आप इस पौधे को लगा सकते हैं। द्रवित खाद, गोबर की सड़ी तरल खाद का उपयोग करने से इसमें अच्छी तरह से फूल खिलते हैं। दोस्तों, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब डहलिया के पौधे की अच्छी वृद्धि होने लगती है। तब इसमें सहारा देने के लिए डंडियों को बांध सकते हैं। इसके लिए आप बांस की डंडी या लोहे की छड़, आजकल मार्केट में आप प्लास्टिक की छड़ें आती हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप सूतलियों से ढीला करके इसको बांध सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त करने के लिए डहलिया के सामान्य में कलियों को हमको निकाल देना चाहिए, यानी सामान्यतः एक मुख्य शाखा में तीन मुख्य कलियां प्रमुख कलियां होती हैं। केंद्र वाली मुख्य कली को छोड़कर मटर समान दो अन्य कलियों को हमें तोड़कर एक एक करके फेंक देना चाहिए। अगर किसी कारणवश मुख्य कली टूट जाए या खराब हो जाए तो हमको बगल वाली शाखा वाली कलियों को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के पुष्प उत्पन्न हो सकें। डहलिया को कम अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी ना देकर बड़े अंतराल पर ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का सही आवश्यकता और उचित अंतराल मिट्टी व मौसम पर निर्भर करता है। वैसे लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर ही पानी देना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में पाला पड़ना एक आम बात होती है। पाले से पौधे को बचाने के लिए हमें किसी पेड़ के नीचे या किसी शेड के नीचे हमको इस पौधे को इस प्रकार से रखना चाहिए कि सुबह की धूप अच्छी तरह से सीधा इस पर पड़ सके और पौधा आसानी से अपना ग्रोथ कर सके। शाखाओं की अनावश्यक वृद्धि को रोकना चाहिए। अनावश्यक शाखाओं की छटाई करनी चाहिए। जब पौधा लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का हो जाए तब इसमें पौधे के शीर्ष भाग को काट कर अलग कर देना चाहिए। सिर्फ कमजोर व तुरंत लगाए जाने वाले पौधों को छोड़ देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बगल वाली शाखाओं का बढ़ाना तथा पौधे को झाड़ीनुमा रूप देना होता है, जिससे कि फूल का आकार बढ़ेगा। यह क्रिया बड़ी प्रजातियों में की जाती है, जैसे डेकोरेटिव एवं कैक्टस के लिए उपयुक्त की मानी जाती है। यह पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है। दोस्तों, यह पौधा एक व्यावसायिक पौधा भी है। इस पौधे को आप अपने घर में, अपने गार्डन में, अपने यार्ड में लगा सकते हैं, घर आंगन को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तथा आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।